बीते महीने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देने वाले महंत रामगिरी महाराज ने बकायदे सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे माफी मांगने से इनकार कर दिया। महंत रामगिरी महाराज पर देश भर में 67 FIR दर्ज की गई थी। कई प्रदेशों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। मध्य प्रदेश में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता शहजाद अली के छतरपुर वाले घर पर बुलडोजर चलाया गया था। अब इस मामले में जिस महंत के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, उनका पक्ष भी सामने आया। रामगिरी महाराज का कहना है कि वो इस्लाम विरोधी नहीं है। इस मामले में कोर्ट जो भी फैसला देगा उन्हें वो मान्य होगा। रामगिरी महाराज ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो ये उसका व्यक्तिगत मुद्दा है। महंत रामगिरी महाराज ने कहा कि उनके बयान के बाद देश के बाहर से सोशल मीडिया यूजर्स देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे। माफी क्यों मांगे, गलती है ही नहीं, माफी क्यों मांगे। मुद्दा बना करके उसका गैर फायदा लेने का प्रयास तो लोगों ने किया है, लेकिन मैं यहाँ राजनीति की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं राजनीति से अलग हूँ, इसलिए राजनीति पर मैं बात नहीं करूंगा। डर नाम की चीज हमारे पास हो ही नहीं सकती, इसीलिए नहीं हो सकती कि हमारा सनातन हमें ये सिखाता है आत्मा अमर है। आत्मा तो कोई आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न जायते इमरे तेवा कदाचिन नायम भूतवा भवितावा अनुभूयहा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा कभी न मरता है न कभी जन्म लेता है, मरने वाला शरीर होता है और वो मरने वाला ही है, वो कभी भी मर सकता है। और मरने वाले शरीर के बारे में शोक करने कोई आवश्यकता नहीं और आत्मा कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए हम डर इस नाम से हम दूर है। हम डर कभी भी न डरे न डरेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों रामगिरी महाराज पर नासिक जिले के सिन्नार तालुका स्थित पंचाले गांव में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने का आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर शहर में काफी तनाव बढ़ गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हो गई थी। कई अन्य प्रदेशों में भी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुए और अलग अलग प्रदेशों के थानों में FIR भी दर्ज की गई थी। वहीं महाराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भी मौजूद थे। सत्यपाल सिंह ने कहा कि महंत रामगिरी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने वही कहा जो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है। सिंह ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि इस्लाम के विद्वानों और मौलानाओं को सभी को बताना चाहिए कि क्या रामगिरी महाराज की टिप्पणियाँ तथ्यात्मक नहीं थी। रामगिरी महंत की बात करें तो वो अहमदनगर स्थित गौड़ा धाम के महंत हैं। उनका असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे। उन्होंने साल 2009 में दीक्षा ली और गंगागीर महाराज के शिष्य नारायण गिरी महाराज के चेले बन गए। नासिक जिले के सिन्नार तालुका में होने वाले हिंदू कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। इस कार्यक्रम में लाखों लोग आते हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वहां का दौरा किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।